हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल बर्फी। इसको मिक्सी जार में पीस लेना है और घी को कढ़ाई में डाल देना है। ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं इसको गरम करना है, बिल्कुल धीमा रखना है। तो घी गरम हो गया है और इसको मैं डाल देती हूँ दाल को जो मैंने मिक्सी जार में पीसा है। और इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है, तेज़ आंच में नहीं पकाना है इसको। और जितनी दाल हो उतना घी भी इसमें बराबर डालना पड़ता है। और इसको बिल्कुल धीमी आंच में ऐसे पकाना है, बिल्कुल तेज़ नहीं करना है। और बिल्कुल ब्राउन हो गया है पक करके, बिल्कुल रवेदार बनकर तैयार है। और फिर मैं ये बादाम ले लेती हूँ और काजू कुछ, इसको भी घी में तला लेना है। और बिल्कुल धीमी आंच में इसको भी पकाना है, नहीं तो जलने लगेगा। बिल्कुल तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं पकाना है इसको भी। और कुछ किशमिश ले लेती हूँ, इसको भी डालना है जिससे हलवा बिल्कुल टेस्टी बने मूंग दाल का। और फिर मैं चीनी ले लेती हूँ और इसको भी गर्म कर लेना है, सीरा बना लेना है बिल्कुल धीम आँच में इसको भी। और ज़्यादा टाइट नहीं सीरा करना है, बिल्कुल सीरा तेज आंच में बिल्कुल भी नहीं इसको भी पकाना है। और सीरा बन के तैयार हो गया है, ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है सीरा। और फिर मैं ये दाल को इसी में डाल देना है। और फिर इसमें जो मैंने मेवे तलाए हैं उसको भी डाल देना है, मिक्स कर लेना है अच्छे से। आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं। और मैं तो बर्फी बना रही हूँ मूंग दाल की और लड्डू भी। और इसमें थाली में घी लगा लेना है जिससे नीचे लगे नहीं, आराम से बर्फी निकल आए। और ये बढ़िया अच्छे से इसको बिल्कुल बराबर से सेट कर देना है मूंग दाल। बढ़िया दोनों थाली में मैंने सेट कर दिया है अच्छे से। और इसको अच्छे से जम गई है, अब इसको कट कर लेना है बिल्कुल बराबर उसमें। और कितनी बढ़िया बर्फी जम के तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी है। लड्डू भी मैंने थोड़ा सा बना लिए हैं, आप चाहें तो बर्फी और हलवा कुछ भी बना सकते हैं।